प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को जम्मू कश्मीर के उधमपुर में रैली की। उन्होंने कहा कि वो समय दूर नहीं जब जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा चुनाव होंगे, इसे वापस राज्य का दर्जा मिलेगा। आप अपने विधायक मंत्रियों से अपने सपने साझा कर सकेंगे। पीएम मोदी ने आगे कहा कि जम्मू कश्मीर में दशकों बाद ये पहला चुनाव है जब आतंकवाद, अलगाववाद, पत्थरबाजी, सीमा पार से गोलीबारी जैसे मुद्दे नहीं है। पीएम ने कहा कि तब माता वैष्णो देवी यात्रा हो या अमरनाथ यात्रा, ये सुरक्षित तरीके से कैसे हो इसको लेकर चिंता होती थी, और आज स्थिति बदल गई है। आज यहाँ विकास भी हो रहा है और विश्वास भी बढ़ रहा है। यहाँ चप्पे चप्पे पर एक ही गूंज सुनाई दे रही है कि फिर एक बार मोदी सरकार। साथ ही क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवा दें। एक ही गूंज सुनाई दे रही है, फिर एक बार। भाइयों और बहनों, ये चुनाव सिर्फ सांसद चुनने भर का नहीं है, बल्कि ये देश में एक मजबूत सरकार बनाने का चुनाव है। और सरकार जब मजबूत होती है तो जमीन पर चुनौतियों के बीच भी चुनौतियों को चुनौती देते हुए काम करके दिखाती है। दिखता है कि नहीं दिखता है। यहां जो पुराने लोग हैं उनको 10 साल पहले का मेरा भाषण याद होगा। यहीं